next topic in collection and preparation of crude drug for the market. हमने last lectures में जो discuss किया था सेना and जो वोल्फियार की drugs थी वो discuss की थी, उनके cultivation, collection and preparation. In this lecture we discuss opium, वोल्फिया and digitalis. First one है हमारे पास opium. Opium क्या है? इसको हम लोग cultivated करते हैं, cultivated by the licensed and grow varying climate. इसकी जो क्वांटिटी है वो लोअर हो जाती है. किन केसेस में? इन कोल्ड क्लाइमेट में, रेनी वेदर या फिर जो हाई विंड्स जब आती है उस कंडीशंस में इनकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है वो लो हो जाएगी ओपियम की. ओपियम को ग्रो करने के लिए सैंडी जो है, जो सैंडी फ्लेम आइलम है वो यूज़ करनी, सैंडी जो हमारे पास सैंड है उसमें यूज़ होता है सैंडी लोम में. एंड इसमें को ग्रो करने के लिए हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो है हमारे पास फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन. जैसे राजस्थान में मान लीजिए जो ओपियम है वो ग्रो किया जाता है, उसकी क्रॉप किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है उसका. वहाँ पर क्या है, जो हमारे जो हमारा सॉइल है वहाँ पर मेनली क्या सैंडी है, रेत है, सैंड है, जिसमें ये ज़्यादा ग्रो करता है. उसको ग्रो कराने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन. फर्स्टली हम लोग जो ओपियम है उसका सीड है उसको शोन करेंगे बाय ड्राई बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड. ब्रॉडकास्टिंग मेथड ओल्ड मेथड है, किसी भी क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं. इसमें हम लोग क्या बाय हैंड से जो हमारे सीड्स है वो फील्ड में हम लोग फेंक देते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको बाय हैंड से हम लोग जो है सीडिंग कर देते हैं. इसमें ये हमारी जो सीडिंग है हम लोग ये जो ग्रो करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, ये हम लोग अक्टूबर से लेकर नवंबर में इसकी जो है क्रॉप है वो हम लोग बीज देंगे, इसको जो प्रोडक्शन करेंगे स्टार्ट. नेक्स्ट उसके बाद इसमें हम लोग जो जो हम लोग थोड़ा सा इसमें लाइटली इरीगेटेड करेंगे, थोड़ा वाटर सप्लाई छोड़ेंगे लाइटली. वैन जब हम लोग सीडलिंग कर देंगे, हमारे जो है सीडलिंग जब हम करेंगे तो हमारे पास जो एरिया है 5 to 7.5 सेंटीमीटर हाई हम लोग जो है स्पेस रख के सीडलिंग करेंगे. उसके बाद हम लोग इसमें स्प्रे कर देंगे इंसेक्टिसाइड्स की, कि इसमें जो इंसेक्ट है वो ग्रो ना हो, हमारे जो क्रॉप है वो डिटेरियोरेट ना हो, इसके लिए हम लोग जो है स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड्स का. फिर उसमें क्या है, जब ये ग्रो होने लग जाएगा सीड्स क्या ग्रो होगा तो उसमें हमारे पास जो प्लांट है उसमें फ्लावर आएंगे. 3 से 4 मंथ के बाद जो फ्लावर है वो ऑब्टेंड होंगे. फिर 3 से 4 मंथ के बाद जब फ्लावर ऑब्टेंड होंगे उसके बाद कैप्सूल्स डेवलप होंगे. जब 3 से 4 मंथ के बाद फ्लावर ऑब्टेंड होंगे उससे 3 या 4 डेज के बाद कैप्सूल्स ऑब्टेंड होते हैं, कैप्सूल डेवलप हो जाते हैं. एंड आफ्टर फ्लावर फुली स्वेलन आफ्टर 8 to 11 डेज, जब जो हमारे वो फ्लावर्स हैं वो प्रॉपरली 8 से 10 दिन के बीच में स्वेल हो जाते हैं. फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारा प्लांट है जो ओपियम का प्लांट इस तरह से होता है राउंड शेप में, इसमें जो कैप्सूल्स है ये हमारा क्या कैप्सूल, इसमें हम लोग क्या करते हैं इंसीजंस लगा देते हैं, कट लगा देते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. या तो हम लोग इस तरह इसमें कट लगाएंगे या फिर हॉरिजॉन्टली इस तरह हम लोग इसमें कट लगा देंगे. जो कट लगाएंगे उसके लिए हमारे पास वो हम लोग आफ्टरनून में कट लगाएंगे, क्योंकि आफ्टरनून में जो हमारे पास इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ओपियम में वो मैक्सिमम होता है. जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने कट लगा दिए, इस कट लगाने के लिए इसके लिए स्पेशल नाइफ आते हैं 3, 4 या 6 जिसमें ब्लेड्स होते हैं. जब इसमें हम लोग कट लगा देते हैं इसमें लेटेक्स निकलता है. जैसे जैसे हम लोग जो समटाइम कोई प्लांट या फ्रूट निकालते हैं तोड़ लेते हैं तो उसमें से लेटेक्स निकलता है, मिल्क कलर का हमारे पास मिल्की टाइप का एक प्रोडक्ट निकलता है उसको बोल देते हैं लेटेक्स. इसमें से जब हम लोग कट लगाएंगे तो लेटेक्स निकलेगा जिसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, अलाउड टू रिमेन और कैप्सूल्स ओवर नाइट एंड कोगुलेटेड लेटेक्स इज कलेक्टेड इन मॉर्निंग फ्रॉम कैप्सूल. इसमें से जो लेटेक्स निकलता रहेगा वो हम लोग ओवरनाइट सारे रात वो निकलता रहेगा और हम लोग इसको मॉर्निंग में कैप्सूल में से कलेक्ट कर लेंगे. इस जो कैप्सूल है जो ओपियम के कैप्सूल्स है इसमें हम लोग 4 टाइम तक हम लोग इंसीजन करेंगे, 4 बार कट लगाएंगे.
चार बार कट लगाने के बाद इसमें से जो लेटेक्स है वो निकलना बंद हो जाएगा। जब इसमें से हमने कलेक्शन कर ली लेटेक्स की, जो मिल्की प्रोडक्ट निकल रहा है उसकी कलेक्शन कर ले, तो उसके बाद हम लोग इसको क्या है, क्रॉप को ड्राई कर लेंगे और कैप्सूल को कट कर देंगे और ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अब इस कैप्सूल को जब हम लोग कट करेंगे तो इसमें से ब्लैक कलर के सीड निकलेंगे। जब इसमें से प्रॉपरली लेटेक्स निकल गया हमारा, उस कैप्सूल को हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसको क्रॉप करेंगे, ड्राई करेंगे और कैप्सूल को हम लोग कट कर देंगे और ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई जब हम लोग करेंगे तो उसमें से सीड निकलेंगे। सीड्स आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टेड बाय फ्रॉम द कैप्सूल। हम लोग सीड को कलेक्ट कर लेंगे कैप्सूल में से विद द वुडन रोड। वुडन रोड से हम लोग उसको या तो बीट करेंगे, कैप्सूल निकालने का भी मेथड है, हम लोग उसको वुडन जो रोड है उसके साथ बीट करेंगे। बीट करने के बाद हमारा जो कैप्सूल है वो प्रॉपरली वहां से जो सीड्स है वो निकल जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो रॉ ओपियम है, रॉ ओपियम में हमारे पास जब हम लोग इसको स्टोर करेंगे, जो रॉ है ओपियम का, उसको हम लोग स्टोर करेंगे मेटल या फिर अर्थन पोर्ट्स में, मेटल की फॉर्म जो कंटेनर्स, उसमें हम लोग रॉ मटेरियल है जो ओपियम को उसको स्टोर करेंगे और उसमें से एक नीचे उसके होल कर देंगे। जैसे गमलों में होल होता है नीचे कि जो वाटर है वो निकलता रहता है एक्स्ट्रा, इसी तरह हम लोग जो इसमें मेटल के या अर्थन जो पॉट यूज करेंगे उसमें नीचे होल कर देंगे बॉटम में, जिससे जो उसमें से मॉइस्चर है वो ड्रेन ऑफ होता रहेगा। इट इज स्टोर्ड सेपरेटली टू मॉर्फिन। अब जो हमारा वो रॉ मटेरियल है, जो मॉर्फिन है, वो हमारा क्या निकलेगा, मॉर्फिन। उस मॉर्फिन को हम लोग सेपरेट कर देंगे, अलग सेपरेट करके स्टोर कर देंगे। जो हमारा मॉर्फिन है उसको हम लोग नॉट स्टोर प्रॉपरली, लॉस मॉर्फिन फंगल अटैक, हम लोग प्रॉपरली उसको स्टोर नहीं करेंगे जब तक उसमें से मॉइस्चर नहीं निकलता। अगर हमने प्रॉपरली उसको स्टोर कर दिया तो मॉइस्चर के कारण उस पर जो फंगल अटैक हो जाएगा और उसकी मॉर्फिन की जो प्रॉपर्टीज है वो लॉस हो जाएगी, इसलिए उसको हम लोग प्रॉपरली मॉर्फिन को स्टोर नहीं करेंगे। फिर हम लोग जो मॉर्फिन है हमारे उसको ड्राई करेंगे 98 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ड्राई होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट हमारे पास बचेगा वो होगा हमारा, उसको हम लोग पैक करेंगे और पैक करने के बाद हम लोग उसको मार्केट में सेल कर देंगे, सेल कर देंगे। ये थी हमारी प्रोडक्शन। अब जो ओपियम है, ओपियम हमारे पास थ्री टाइप के इसमें मेथड्स है। फर्स्ट है एक्साइज ओपियम मेथड, सेकेंड है एक्सपोर्ट मेथड, थर्ड है मेडिसिनल ओपियम। अब एक्साइज ओपियम क्या है, हमारे पास ये प्रिपेयर हम लोग करते हैं गुड ओपियम से, जो हमारे पास गुड ओपियम है उससे ये हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम लोग कोई भी फॉरेन जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो ऐड नहीं करते उसकी प्रोडक्शन के लिए, ये सिर्फ हम लोग सोल्ड करते हैं। इट इज सोल्ड बाय स्टेट इन इंडिया, इंडिया में सोल्ड करने के लिए प्रिपेयर करेंगे एक्साइज ओपियम। सेकेंड है हमारा एक्सपोर्ट ओपियम। एक्सपोर्ट ओपियम में हम लोग पहले जो ड्राई ओपियम है, ओपियम को ड्राई करेंगे सोलर हीट से, वैक्यूम पंप से हम लोग ओपियम को प्रॉपरली ड्राई करेंगे। जब हमारे पास ड्राई हो जाता है ओपियम, देन उसको हम लोग टेस्ट के लिए, टेस्ट फॉर उसमें कितनी मॉर्फिन प्रेजेंट है और कितनी प्योरिटी प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। देन जब हमारा टेस्टिंग हो जाएगा कि मॉर्फिन की इतनी कंसिस्टेंसी हमारे रॉ मटेरियल में प्रिपेयर है, रॉ मटेरियल में प्रेजेंट है, देन हम लोग उसको जो पैक्ड एज अ केक की फॉर्म में पैक कर देंगे, जिसका वेट होगा हमारे पास 1, 2 और 10 केजी तक। हम लोग पैक करने के बाद इसको हम लोग जो है ओपियम में उसको सोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो मेथड है, मेडिसिनल ओपियम। मेडिसिनल ओपियम में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, रॉ ओपियम यूज करेंगे, जो ओपियम का रॉ है वो हम लोग यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे हम लोग मेडिसिनल की प्रेपरेशन की कर मेडिसिनल प्रेपरेशन में यूज करेंगे। इसमें ड्राई करेंगे हम लोग रॉ ओपियम को, ड्राई करने के बाद हम लोग इसकी टेस्टिंग करेंगे। जो फार्माकोपियम में हमारे पास स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग जो रॉ ओपियम है उसकी टेस्टिंग करेंगे। देन इसको हम लोग जो हमारा रॉ ओपियम है टेस्टिंग करने के बाद इसको हम लोग डिफरेंट जो प्रेपरेशन है उनमें यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास टिंचर, टैबलेट, पिल्स एंड हमारे पास है पाउडर्स, इसमें हम लोग यूज करेंगे।
ये मेनली जो हम लोग मेडिसिनल ओपियम है ये हम लोग यूज करते हैं इंडिया में। इन इंडिया में हम लोग ये यूज करेंगे। इसमें जो 9.5% जो है एनहाइड्रस ओपियम की क्वांटिटी इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग जो ओपियम पाउडर को एज अ जो फार्माकोपिया में हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ये था हमारा ओपियम की कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ओपियम के बाद हमारे पास है एर्गट। ओपियम के बाद हमारे पास आ जाता है एर्गट। जो एर्गट है वो हमारे पास कहाँ पर जियोग्राफिकल कहाँ पर मिलता है, ये रशिया इंडिया स्पेन इन जगहों पे जो एर्गट है इसकी प्रोडक्शन की जाती है। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन में हम लोग इसको स्टडी जब करेंगे, जो एर्गट है इट इज अ फंगल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन ऑफ सीरल रे। ये हमारा जो सीरल रे है जो कनक है वो सीरल रे है उस पर फंगस ग्रो होती है, उसमें जो है जो संक्रमण हो जाता है जैसे फंगस का उसमें ग्रोथ हो जाती है उसको बोल देते हैं फंगल ग्रो एंड इन्फेस्टेशन ऑफ सीरल रे। ये जो इन्फेस्टेशन है ये क्या करते हैं, इन्फेस्टेशन द यील्ड ऑफ द फूड ग्रोन ग्रेन रे में इवन रिड्यूस। जब ये फंगस जो हमारे सेपरेट है जो हमारे पास कलेक्टेड किया हमने सेक्लोरिडा
उसको हम लोग उसमें डाल देंगे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, वेयर इन एर्गट फ्लोट, इसमें जो एर्गट है वो फ्लो करेगा, इसमें से जो एर्गट होगा वो उस सॉल्यूशन के ऊपर फ्लो करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। अब फ्लोटेशन मेथड वेरी इफेक्टिव, इसमें जो फ्लोटेशन मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, जब फ्लोट करेगा फिर ही हमें पता चलेगा कि ये एर्गट है या इसका नहीं है, क्योंकि उसकी फ्लोटिंग पावर से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो फ्लोटिंग मेथड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिव है अदर मेथड से, क्योंकि इसमें जो लेबर वो भी कम लगती है और जो अदर मेथड्स हैं उनमें लेबर का टाइम कंज्यूमिंग का ज़्यादा जो लॉस होता है, लेबर भी ज़्यादा उसमें यूज़ होते हैं, इसलिए हम लोग फ्लोटिंग मेथड यूज़ करते हैं। आफ्टर कलेक्शन सेक्लोरेटा सेक्लोरटिया आर ड्राइड एंड स्टोर प्रॉपरली कंटेनर, जो सेक्लोरटिया है हमारा उसको हम लोग जो फ्लोटेशन करने का उसमें से कलेक्ट कर लेंगे सोल्यूशन में से और उसको ड्राई करेंगे, प्रॉपरली ड्राई करेंगे और फिर हम लोग जो प्रॉपरली उसको कंटेनर में स्टोर कर देंगे, जिसको आगे हम लोग फर्दर प्रेपरेशन में यूज करते हैं, मार्केट में यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस जैसे हमें पता है कि कार्डियोटॉनिक ड्रग है, हम इसमें जिसके लीफ हम लोग यूज करते हैं और इसमें जो हमारे पास कार्डियोग्लाइकोसाइड है वो लीफ में प्रेजेंट होता है। अब जो डिजिटेलिस है वो ग्रो कहाँ पर करता है, ये मेनली नीलगिरी हिल्स पे या कश्मीर में ये मेनली ग्रो करता है डिजिटेलिस। अब इसमें जो डिजिटेलिस है ग्रो फ्रॉम द सीड्स, इसको हम लोग जो सीड्स हैं वो ग्रो करते हैं, बीज देते हैं, शोन इन द ऑटम, ऑटम के जो सीजन है उसमें हम लोग जो इसके बीज है वो भिगो देते हैं। उसके बाद सीडलिंग आर ट्रांसक्रिप्टेड इन द फील्ड इन रो एंड अपार्ट फील्ड इन द रो अपार्ट अबाउट द अबाउट इन द अपार्ट एज द डिस्टेंस ऑफ ईच रो। हम लोग इसको जो सीडलिंग करेंगे, जो इसको बीज को हम लोग शोन करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम रो में शोन करेंगे, रो में हम लोग बीज को जो है वो बीज देंगे, जिसमें जो है हमारा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए जो सॉइल है वो लाइट सॉइल होनी चाहिए, उसमें सैंडी रेत भी होना चाहिए और मैग्नीज भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम लोग इसको जब बीज देंगे देन इसके बाद हम लोग इसमें से लीव्स कलेक्ट करेंगे, लीव्स कलेक्टेड फ्रॉम द वन और फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड ईयर। इसके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हम लोग इसमें से लीव्स को कलेक्ट करेंगे और जो है हमारे जो ओल्ड सेकेंड और फर्स्ट ईयर में हम लोग इसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमारे पास हम लोग जो है इनको फर्स्टली जो लीव हमने कलेक्ट किए हैं वो हम लोग करेंगे कलेक्ट अगस्त में, एंड सेकेंड जो हम लोग इसकी फ्लावरिंग्स हैं और जो स्टीम्स हैं वो कट कर देंगे। जब हम ऊपर से डिजिटेलिस के फ्लावर और स्टीम्स को कट कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो लीव्स हैं वो और डिवेल्प होंगे। लीव्स जब डिवेल्प होंगे तो हम लोग उसको नेक्स्ट जो लीव्स हैं उसको हम लोग जब कट कर देंगे वो डिवेल्प होंगे, उसको हम लोग मार्च से अप्रैल के बीच में कट कर लेंगे, कलेक्ट मार्च टू अप्रैल के बीच में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे सेकेंड जो लीव्स है। आफ्टर कलेक्शन लीव्स आर ड्राई एज सून एज टेम्परेचर 55 टू 60 डिग्री। इसके बाद कलेक्ट करने के बाद हम लोग 55 से 60 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है उस पर लीव्स को ड्राई करेंगे। हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि उसमें जो हमारे लीव्स है उसमें कार्डियोग्लाइकोसाइड जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो मेनटेन रहे, कि हमारे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको कोई लॉस ना हो, वो मेनटेन रहे प्रॉपरली। इस तरह से हम लोग इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम लोग जो हमारे लीव्स हैं उसको स्टोर कर देंगे एयर टाइट कंटेनर्स में, जो एयर टाइट कंटेनर्स है उसमें प्रॉपरली हम लोग लीव्स को स्टोर कर देंगे और फिर हम लोग मार्केट में इसको सेल कर देंगे फॉर फर्दर यूजेस के लिए। ये हमारा जो चैप्टर था कलेक्शन एंड प्रेपरेशन ऑफ क्रियोड्रग फॉर मार्केट, ये यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।